क्रिकेट जगत से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए IPL से जुड़ी हर खबर देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ IPL का 11वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। IPL 2020 का एक और रोमांचक मुकाबला श्रेयस अय्यर की दिल्ली कैपिटल्स और डेविड वार्नर की सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, हैदराबाद की टीम में इस मुकाबले के लिए केन विलियमसन को शामिल किया गया था। टॉस के बाद बल्लेबाजी करने आए हैदराबाद की टीम ने शुरुआत से ही गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने पहले विकेट के लिए 77 रन की लाजवाब पार्टनरशिप खड़ी की, लेकिन पारी के 10वें ओवर में डेविड वार्नर 45 रन बनाकर अमित मिश्रा के शिकार बने। वार्नर के आउट हो जाने के बाद मनीष पांडे भी तुरंत ही आउट हो गए, लेकिन इस मुकाबले के लिए टीम में शामिल किए गए केन विलियमसन ने जॉनी बेयरस्टो के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई। केन विलियमसन ने इस मुकाबले में 26 गेंदों पर 41 रनों की लाजवाब पारी खेली। वहीं जॉनी बेयरस्टो ने भी इस मुकाबले में अपना IPL का चौथा अर्धशतक पूरा किया। जॉनी बेयरस्टो ने 48 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली। इन धुरंधरों की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते हैदराबाद की टीम ने दिल्ली के सामने 163 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत बेहद ही ज्यादा खराब रही। दिल्ली के ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ केवल 2 रन बनाकर पारी के पहले ही ओवर में आउट हो गए। पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर और शिखर धवन ने पारी को संभालना चाहा, लेकिन अय्यर भी एक खराब शॉट खेलकर राशिद खान के शिकार बने। वहीं राशिद खान ने शिखर धवन को भी पारी के 12वें ओवर में आउट कर दिया। इस समय दिल्ली की पारी हैदराबाद की गेंदबाजी के आगे पूरी तरह डगमगाती हुई दिखी, लेकिन उसी समय बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत ने डगमगाई दिल्ली की पारी को संभाला और बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी के चलते दिल्ली को जीत के लिए अंत में आखिरी 6 ओवर में 75 रनों की आवश्यकता थी। अब दिल्ली की जीत की सारी उम्मीदें ऋषभ पंत पर टिकी हुई थी। ऋषभ पंत के साथ मिलकर सिमरन हिटमायर भी बड़े शॉट खेल रहे थे, जिससे हैदराबाद के कप्तान की परेशानियां और बढ़ रही थी, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। तो दोस्तों, आपको ये दिल्ली और हैदराबाद के बीच हुआ IPL का 10वां मुकाबला कैसा लगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।